नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीटी जगदीश। मैं एक वेट लॉस डाइट कंसल्टेंट हूँ और आज हम चुकंदर के सिर्फ तासीर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसे कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए और किसे खाना चाहिए, कौन खा सकता है कौन नहीं खा सकता, उसके बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो है ये चुकंदर है। चुकंदर यानी बीट रूट, ये एक रूट वेजिटेबल है और आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इस बीट रूट के अंदर एक बिटालिन नाम का एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है जो रेड कलर को प्रेजेंट करता है और इसके अंदर रेड कलर कुट कुट के भरा होता है। अगर आप फ्रेश बीट रूट को अगर काटते हैं तो आपके सूर्य पे लाल कलर लग जाता है, इवन आपके हाथों में लाल कलर लग जाता है। अगर खाते समय गलती से व्हाइट कपड़े पे अगर बीट रूट गिर जाता है तो उस पे लाल कलर के धब्बे आ जाते हैं, इतना लाल कलर होता है इसके अंदर। अगर आप 2-3 दिन कंटिन्यू अगर इस बीट रूट को खाते हो तो आपको जो पेशाब आता है ये भी लाल कलर का आता है, यानी आपको लगता है कि पेशाब से खून निकल रहा है। बीटरूट एक बढ़िया सोर्स होता है रेड कलर का, यानी बिटालिन नाम का ये जो पिगमेंट है इसका, और ये आसानी से हमारे ब्लड के अंदर घुल जाता है, मतलब हमारे खून के अंदर घुल जाता है और जब हमारी किडनी से फिल्टर करती है तो ये बाहर भी निकलता है, इसलिए हमारा पेशाब रेड कलर का दिखता है। तो डरने की बात नहीं है, बस इतना ही है कि आपको चुकंदर 100 से लेकर 300 ग्राम के आसपास ही खाना है। मतलब अगर हम पर डे की अगर बात करें तो लगभग एक मीडियम साइज का आप चुकंदर खा सकते हो, बीटरूट खा सकते हो। 100 ग्राम या 150, मैक्सिमम 300 ग्राम तक आप खा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खाना है। तो डेफिनेटली आपको ये फायदा ही फायदा देगा। और इसको खाने का जो समय होता है ये मोस्टली हो सके तो दोपहर में खाना है, लंच के साथ खा लो इसे या लंच के पहले खा लो तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। इसको हो सके तो मॉर्निंग में नहीं खाना है और रात में नहीं खाना है या इवनिंग में नहीं खाना है। मॉर्निंग यानी अर्ली मॉर्निंग आपको इसको नहीं खाना है, लगभग 9 या 10 बजे के आसपास अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हो। तो सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 4 या 5 बजे तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को या रात में आपको इसे टालना है या कम से कम खाना है, लिमिट में खाना है, तो आपको ये दिक्कत पैदा नहीं करेगा। और ये जो है ये आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, आप इसका जूस बना के पी सकते हैं या आप चुकंदर और गाजर जो होता है इन दोनों का जूस बना के पी सकते हैं या दोनों को साथ में खा सकते हैं। तो दोनों साथ में खाते तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है, या आप डायरेक्ट इसे खा सकते हैं या आप इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, रोल बना के साथ खा सकते हैं। तो आपको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, आपको जो भी फॉर्म पसंद है, जिस चीज़ के साथ आपको मिला के इसको या इसके अंदर डाल के अगर आपको पसंद आता है तो आप किसी भी चीज़ के अंदर इसे डाल के खा सकते हैं। खाने के कई तरीके हैं। चुकंदर के अंदर हाई फाइबर होता है, हाई कार्ब होता है, और हम सब लोग जानते हैं शाम में या रात में हमारा जो पाचन तंत्र होता है या पाचन ऊर्जा होती है ये स्लो होती है, कम होती है। तो इसके कारण ये पचने में टाइम लेगा, और अगर जब ये पचने में टाइम लेगा तो डेफिनेटली कुछ केसेस में कोल्ड कफ डेवलप हो सकता है, या जिनका शरीर अंदर से ठंडा है उनका शरीर ये और ठंडा कर सकता है, क्योंकि इसकी तासीर भी ठंडी होती है। इसकी जो मिजाज है या प्रकृति या ठंडा तासीर वाला होता है। जिन लोगों का शरीर अंदर से गर्म है वो लोग इसे बिंदास खाए, लेकिन जिन लोगों का शरीर अंदर से ठंडा है वो लोग हो सके तो इसे कम से कम खाए, रात में ना खाए, शाम में ना खाए। ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है तो डिटॉक्स करने के लिए आप इसे खा सकते हैं। ये हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है तो आप उसके लिए खा सकते हैं। ये हमारा बाइल प्रोडक्शन इंप्रूव करता है, खास करके जो प्रोटीन और फैट डाइजेशन है इसको ये हेल्प करता है, तो आप बाइल प्रोडक्शन के लिए इसे खा सकते हैं। जिनके शरीर के अंदर खून की कमी है या हीमोग्लोबिन काउंट जो है ये बहुत ही कम है, अगर इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो आप इसे खा सकते हैं। इवन जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अपना बीपी को कम करने के लिए आप इसे खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का लो बीपी है वो लोग हो सके तो इससे बचे, ना खाए। इवन जिन लोगों के अंदर बार बार किडनी स्टोन बनता है, मतलब किडनी स्टोन फॉर्म होता है, वो लोग इसे ना खाए, क्योंकि ये किडनी स्टोन की साइज बढ़ाता है या किडनी स्टोन को फॉर्म कर सकता है, तो इसीलिए आपको नहीं खाना है। जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली कोल्ड कफ हो जाता है वो लोग भी हो सके तो उसे बचे या कम से कम खाए और रात में ना खाए, तो आपको ये डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा फायदा देगा। इसके बहुत कम नुकसान है, ज्यादा फायदे हैं, तो आप इस फायदों के लिए आप इसे डेफिनेटली खा सकते हैं। और मैं जाते जाते फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो चुकंदर है या बीट रूट है इसकी जो तासीर होती है ये ठंडी होती है, और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है रेड कलर का और फाइबर का और कार्बोहाइड्रेट का, और साथ में विटामिन सी है, आयरन है, और इसके अंदर नाइट्रेट होता है जो हमारे ब्रेन के लिए या मेमोरी के लिए बहुत हेल्दी होता है। और ये जो नाइट्रेट होता है ना ये हमारे जो खून की नसें होते हैं उसको ये रिलैक्स करता है या इसे मोटा कर देता है, इसलिए खून का बहाव जो होता है ये हमारा अच्छा हो जाता है, तो हमको बेनिफिट देता है। तो खास करके जो बीपी रिलेटेड इशू है या हार्ट रिलेटेड इशू है या स्ट्रोक रिलेटेड इशू है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो वो लोग भी इसे खा सकते हैं। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर है, तो ढेर सारे बेनिफिट है इसके, आप डेफिनेटली इसका मजा ले सकते हो। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी बी हेल्दी।